दोस्तों नमस्कार, क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 फाइनल आ चुका है, जहां पर 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच यह जबरदस्त इवेंट हमें हाइब्रिड मॉडल के साथ दो कंट्रीज में, जी हां, पाकिस्तान और श्रीलंका में देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये पूरा का पूरा इवेंट, पूरा का पूरा टूर्नामेंट होने वाला है। पूरे टूर्नामेंट की सभी इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी यहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने रिवील कर दिया है। और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली छह की छह टीमों के बोर्ड्स ने यहां पर ऑफिशियली अपने स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट कर दी है। और इस वीडियो में हम एशिया कप 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली छह की छह टीमों की प्रोबेबल बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि किस टीम की प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा खतरनाक, कौन सी टीम यहां पर एशिया कप की ट्रॉफी डिजर्व करती है, बिल्कुल अच्छी तरह से इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम नजर डालते हैं एशिया कप 2023 के लिए सभी टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर। तो सबसे पहले हम होस्ट कंट्रीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, श्रीलंका की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 को आप सभी लोग मेरे साइड में स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर इस टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे पथुन शंका के साथ दिमुथ करुणारत्ने। नंबर तीन पर हमें विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस यहां पर देखने को मिलेंगे। नंबर चार पर नए युवा खिलाड़ी शाहन यहां पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नंबर पांच पर हमें चरित असलंका देखने को मिलने वाली है। नंबर छह पर धनंजय डी सिल्वा हमें यहां पर इस टीम में देखने को मिलेंगे। नंबर सात पर डेफिनेटली आपके दसुन सान का कप्तान होने वाले हैं। नंबर आठ पर होंगे वनिंडु हसरंगा, हसरंगा फिलहाल इंजर्ड है जिसके चलते उनको यहां पर थोड़ा सा कम कंसिडर किया जा सकता, हो सकता है पूरे के पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल वो स्क्वाड्स में मौजूद है जिसके चलते स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 अपनी जगह यहां पर बना रहे हैं। नंबर 9 पर हमें यहां पर महेश तीक्ष्णा देखने को मिलेंगे। नंबर 10 पर मथीसा पथिराणा देखने को मिलेंगे और नंबर 11 पर हमें दिलशान मधुशंका देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली है एशिया कप 2023 के लिए श्रीलंका की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को भी आप सभी लोग मेरे साइड में स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर इस टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे फकर जमान के साथ या आपके इमाम उलक, दोनों जबरदस्त टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। नंबर तीन पर हमें कैप्टन बाबर आजम देखने को मिलेंगे, ओडीआई फॉर्मेट में उन्होंने काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। नंबर चार पर हमें डेफिनेटली आपके यहां पर मोहम्मद रिजवान देखने को मिलेंगे। नंबर पांच पर इफ्तिकार अहमद होने वाले हैं। नंबर छह पर हमें सलमान आगा देखने को मिलेंगे। नंबर सात पर शादाब खान जबरदस्त ऑलराउंडर को यहां पर मौका मिलेगा। नंबर आठ पर हमें उसामा मिर देखने को मिलेंगे। नंबर नौ पर हैरिस रोफ, नंबर 10 पर नसीम शाह और नंबर 11 पर हमें शाहीन शाह अफरीदी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली है एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। उसके बाद हम बात करते हैं अफगानिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो अफगानिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 को भी आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर इस टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान। नंबर तीन पर हमें रहमत शाह देखने को मिलेंगे। नंबर चार पर शहीदी देखने को मिलेंगे। नंबर पांच पर हमें इकरम अकिलेल देखने को मिलेंगे। नंबर छह पर होंगे मोहम्मद नमी। नंबर सात पर हमें उमर जाई देखने को मिलेंगे। नंबर आठ पर होंगे राशिद खान। नंबर नौ पर हमें अब्दुल रहमान देखने को मिलेंगे। नंबर दस पर हमें मुजीबुर रहमान देखने को मिलेंगे और नंबर ग्यारह पर हमें फजल फरूकी यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली एशिया कप 2023 के लिए अफगानिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। हालांकि यहां पर नवीन उलक को कंसिडर किया जाता है, लेकिन नवीन उलक को उनके स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसके चलते अच्छी प्लेइंग 11 यहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तैयार कर ली है। उसके बाद हम भारत की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो ओपनिंग करने उतरेंगे एक छोर पर कैप्टन रोहित शर्मा, जबरदस्त ओडीआई फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। वही सेकंड छोर पर हमें शुभमन गिल देखने को मिलेंगे। नंबर तीन पर आएंगे विराट कोहली। नंबर चार पर होंगे सुरेश अय्यर। नंबर पांच पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल डेफिनेटली हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर केएल राहुल फर्स्ट मैच में नहीं होते तो इनकी जगह पर ईशान किशन हमें देखने को मिल सकते हैं। नंबर छह पर हमें आपके यहां पर हार्दिक पांड्या देखने को मिलेंगे। नंबर सात पर होंगे रविंद्र जडेजा। नंबर आठ पर होंगे मोहम्मद शमी। नंबर नौ पर होंगे कुलदीप यादव। नंबर दस पर जसप्रीत बुमराह और नंबर ग्यारह पर हमें मोहम्मद सिराज देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली है एशिया कप 2023 के लिए भारत की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। उसके बाद हम बांग्लादेश की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो बांग्लादेश ने भी एशिया कप 2023 के लिए बहुत ही शानदार प्लेइंग 11 को तैयार किया है। उनकी प्लेइंग 11 को आप सभी लोग मेरे साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे, जहां पर इस टीम की तरफ से ओपनिंग करते
भी नजर आएंगे हमें लिटन दास के साथ मोहम्मद नईम, नंबर तीन पर हमें नजमुल हुसैन सांतो देखने को मिलेंगे, नंबर चार पर कैप्टन साकिब अल हसन होने वाले हैं, नंबर पांच पर हमें विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकर रहीम देखने को मिलेंगे, नंबर छह पर तोहिद हरितो देखने को मिलेंगे, नंबर सात पर आफिफ हुसैन होने वाले हैं, नंबर आठ पर हमें मोहिदी हसन देखने को मिलेंगे, नंबर नौ पर हमें तास्किन अहमद देखने को मिलेंगे, नंबर दस पर शोरीफ उलसान होंगे और नंबर ग्यारह पर हमें मुस्तफिजुर रहमान देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली एशिया कप 2023 के लिए आपके यहाँ पर बांग्लादेश की प्लेइंग 11, अंत में हम छठी टीम नेपाल की प्रोबेबल स्ट्रॉन्गेस्ट 11 पर नजर डालते हैं। तो नेपाल की प्लेइंग 11 भी आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे, जहां पर इस टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए हमें नजर आने वाले हैं कुशल भटकल के साथ अर्जुन साउद, नंबर तीन पर हमें आसिफ शेख देखने को मिलेंगे, नंबर चार पर रोहित होंगे, नंबर पांच पर भीम शर्की होंगे, नंबर छह पर हमें कुशल मल्ला देखने को मिलेंगे, नंबर सात पर दीपेंद्र सिंह ऐरी होंगे, नंबर आठ पर संदीप लामी छाने देखने को मिलेंगे, नंबर नौ पर गुलशान झा होंगे, नंबर दस पर हमें करण केसी देखने को मिलेंगे और नंबर ग्यारह पर हमें किशोर महातो देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली है एशिया कप 2023 के लिए पार्टिसिपेट कर रही छह की छह टीमों की बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, लेकिन आपके मुताबिक कौन सी टीम बनेगी एशिया कप 2023 की चैंपियन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर नेपाल, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की छोटे मुझे इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।